नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और वहाँ पे बहुत से जो रूरल एरियाज से जो बच्चे होते हैं उनके पास नेट का काफ़ी इशू होता है, तो उनको क्लासेस लेने में उनके अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, घर बैठ के आप आराम से ले सकते हैं, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, 80% तो बिलोंग करते हैं सिटी से, तो आराम से ले सकते हैं स्टेज। और जो पहली लॉकडाउन हुआ था उसमें मैंने अपने सारे सीजन देख लिए थे, अब कुछ बचा ही नहीं है रहने की। तो आपको क्या शफकत महमूद की शफकत पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैंसर पढ़ा, जैसे हमने अब रात को घर जाके पढ़ा, इधर सारे लेक्चर लिए, और एक बच्चा है लेक्चर नहीं ले रहा, वो ना टाइम पे मतलब क्लास में आता है, ना कोई रेगुलर है, कुछ नहीं। अब वो भी ऑनलाइन पेपर देगा, उसमें वो चीटिंग करेगा। अब ये कुछ सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगा, इनको चाहिए कि कोई अच्छा सिस्टम बनाए पेपर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अवान अब्बास और आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम के साथ। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ तुलबा से जाकर उनके ओपिनियंस लेंगे, क्या गवर्नमेंट का ये फैसला तलीमी इदारे बंद करने का सही था या गलत था, और क्या ऑनलाइन स्टडीज स्टूडेंट्स को मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हैं। तो आप ये बताएं, क्या तलीमी इदारे बंद होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि तालीमी इदारे बंद हो, इससे स्टूडेंट्स का बहुत लॉस होता है, और ये जो हमारा 7th सेमेस्टर चल रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिमांडिंग ईयर होता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस ईयर में लास्ट ईयर में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क करके सीख सकते हैं, ना कि ऑनलाइन क्लासेस में वो इस चीज़ को ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड। मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये बताएं कि ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, क्योंकि अब तो तालीमी इदारे हो गए बंद, अब जो स्टडी होगी वो ऑनलाइन होगी? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सूरत में अच्छा आउटपुट नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि एक तो इसके एग्ज़ाम्स किसी भी सूरत में अच्छे नहीं हो सकते, लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए, ठीक है, और फिर इसका जो प्लेजरिज्म है वो भी चेक नहीं होता किसी भी सूरत में, और मेरे ख्याल में ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए और ना ही ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की स्टडी पर बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। और जैसे कि अब दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर नहीं किया। तो आप ये बताएं, क्या तालीमी इदारे के बंद होने का फैसला गवर्नमेंट का सही था या गलत? बिल्कुल गलत था, तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए थे, हम यहाँ पे दोस्तों के साथ इतना एंजॉय करते थे, और लॉकडाउन की वजह से हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, और जो पहली लॉकडाउन हुआ था उसमें मैंने अपने सारे सीजन देख लिए थे, अब कुछ बचा ही नहीं है रहने की। तो आपने क्या शफकत महमूद की शफकत पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जी हाँ बिल्कुल होने चाहिए, और पाकिस्तान में कोरोना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और पंजाब पहले नंबर पे है, 15 से 16 शहर हैं जो काफ़ी कोरोना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और मुल्तान दूसरे नंबर पर है, तो 200% पेशेंट आ गए कोरोना के। तो फिर क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है स्टूडेंट्स को? जी हाँ बिल्कुल, घर बैठ के आप आराम से ले सकते हैं, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, 80% तो बिलोंग करते हैं सिटी से, तो आराम से ले सकते हैं स्टे सेवेंस, आराम से स्टडी जारी रह सकते हैं। तो गवर्नमेंट के तलीमी इदारे बंद करने के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि मतलब अब तलीमी इदारे जैसे आप बंद कर दिए गए हैं, अब ऑनलाइन पेपर्स का सिस्टम ही होगा, अब जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रह गए हैं और जिन्होंने मतलब पढ़ा है, जैसे हमने अब रात को घर जाके पढ़ा, इधर सारे लेक्चर लिए, और एक बच्चा है लेक्चर नहीं ले रहा, वो ना टाइम पे मतलब क्लास में आता है, ना कोई रेगुलर है, कुछ नहीं, अब वो भी ऑनलाइन पेपर देगा, उसमें वो चीटिंग करेगा। अब ये कुछ सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगा, इनको चाहिए कि कोई अच्छा सिस्टम बनाए पेपर्स के हवाले से, ताकि सबको मतलब जो पढ़ने वाला है ना पढ़ने वाला उनके दरमियान फ़र्क पता चले। अब ये तो चीटिंग करके वो लिख लेंगे, एक बच्चा मेहनत करता रह गया, पढ़ता रह गया, एक नहीं पढ़ा वो बराबर, फिर कैसे है? ये मेरी समझ में नहीं है। आप मुझे ये बताएं, क्या तालीमी इदारे बंद होने का फैसला आपको अच्छा लगा या बुरा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर एजुकेशन के हवाले से देखें, हमारे मिर्ज़ा आ रहे थे तो हमने 50 नवाफिल मैंने पढ़ी हैं कल, कि अच्छा काम हुआ एजुकेशन के हवाले से, मिर्ज़ में फेल हो जाते ऑनलाइन देंगे तो माशाल्लाह हमारी GP बहुत अच्छी आएगी। तो अगर दूसरी तरह देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पता नहीं कितने काम होते थे, इंपॉर्टेंट काम, हम कई लोगों की डेट्स ख़राब हुई हैं, कुछ कपल्स थे जो बेचारे अलग हो रहे हैं, इस तरह का किया गया, तो मुझे शफकत महमूद की शफकत बहुत बुरी लगी है। बताएं, क्या तालीमी इदारे बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और वहाँ पे बहुत से जो रूरल एरियाज से जो बच्चे होते हैं उनके पास नेट का काफ़ी इशू होता है, तो उनको क्लासेस लेने में उनके अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, और उनको नोट्स भी प्रोवाइड नहीं होते प्रॉपरली, तो इस वजह से स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं स्टूडेंट्स की। तो आप ये बताएं, क्या ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है वैसे जैसे आप ये फिजिकल क्लासेस दे रही हैं?
जी हाँ, जैसे कि आउटपुट और जैसे यूनिवर्सिटी में हम आके इधर पढ़ाई हासिल करेंगे वैसे हमारी ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। लेकिन हुकूमत इसमें अगर हमें बुलाए तो वो ख़ुद भी अस्पताल इतने हमारे बेड नहीं है, हमारे इतने अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हम जो है इसमें रहते हुए ये यूनिवर्सिटी के अंदर तुलबा को बुला सकें, तो हमें ये कुर्बानी बर्दाश्त है कि हमें जो है ना ऑनलाइन ही जो है ना बेहतर है और हुकूमत का हम इसके साथ। तो नाज़रीन आपने डिफरेंट तुलबा के ओपिनियंस और व्यूज जाने। काफ़ी तुलबा का कहना था कि ऑनलाइन स्टडी उन्हें मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकती, और जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं होती वो भी ऑनलाइन स्टडी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो क्या आप तलीमी इदारे खुलने चाहिए या बंद होने चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।